हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि जो लास्ट वीडियो मैंने डाला था इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर सीएनसी ऑपरेटर, वो आपको अच्छा लगा हो। उसे जो फ्रेशर लड़के हैं इस फील्ड में आना चाहते हैं उससे कुछ सीखे होंगे और इंटरव्यू देके होप्स आपको कुछ लोगों को जॉब लगा होगा। अगर उसमें भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे फिर से कॉमेंट कर सकते हैं कि सर ये बात समझ में नहीं कैसे होता, तो मैं उसके उस टॉपिक को फिर से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ कि इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर सीएनसी प्रोग्रामर। बहुत सारे लड़के कंफ्यूज रहते हैं कि सीख तो जाते हैं लेकिन इंटरव्यू जाके डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं बिकॉज कि वो क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं, क्या क्या प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं एक रात पहले कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइज क्या क्या होगा। ठीक है, सो मैं उसी टॉपिक पे आज वीडियो बना रहा हूँ। होप सो कि आपको अच्छा लगे और आपको जॉब मिले, और अगर इस टॉपिक में भी कुछ समझ में आए तो मुझे कॉमेंट बेशक कीजिए। ठीक है, पहला एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि किसी भी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक करने के लिए कुछ स्टेप होते हैं जिससे आपका इंटरव्यू आसान हो जाएगा। जैसे आप को एक बात पहले पता चले कि भाई मुझे कल इस कंपनी में फलाना फलाना कंपनी में इंटरव्यू देने जाना है, तो सबसे आसान तरीका क्या है कि उसका वेबसाइट पर जाइए। अगर उसका कंपनी का वेबसाइट है तो आप देखिए उस पर जाकर के वो क्या क्या प्रोडक्ट बनाता है। रीजन क्या है ना कि कंपनी में जो भी बैठा हुआ बंदा है, जो 20 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा आपका इंटरव्यू लेगा, तो वो उस कंपनी के में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसी के बारे में आपसे पूछेगा। उसको मतलब नहीं कि दुनिया जहान में क्या क्या बन रहा है, नहीं, वो आपसे यही पूछेगा। वो जानना ये चाहेगा कि मेरे कंपनी में जो प्रोडक्ट बन रहा है क्या आप उसको बना पाएंगे, क्या उसमें जो क्वालिटी मेंटेन करना है आप उस क्वालिटी को मेंटेन कर पाएंगे, वो वही क्वेश्चन पूछेगा। अब किसी कंपनी में थ्रेट नहीं बन रहा है तो वो बेसक थ्रेट पे नहीं जाएगा, वो आपसे सवाल थ्रेट का नहीं करेगा। अगर किसी कंपनी में रिंग बन रहा है तो वो रिंग में क्या क्या क्वालिटी मेंटेन करना है, कैसे उस रिंग को बनाना है उसके बारे में पूछेगा, ओवल्टी क्या है उसके बारे में पूछेगा। अगर कहीं पे साफ बन रहा है तो साफ के बारे में पूछेगा, ओवल्टी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेगा, क्योंकि जो सॉलिड वर्कपीस होता है उस पर ओवल्टी आने का चांस बहुत कम होता है। जो होलो रिंग होता है उसमें ओवल्टी आता है, मैं बताऊंगा कैसे आता है क्यों आता है। तो जब साफ बनेगा वहां पे रनआउट के बारे में आपसे पूछेगा, रनआउट कैसे कंट्रोल करेंगे। जहां पे रिंग बन रहा होगा वहां पे आपसे ओवल्टी के बारे में ज्यादा पूछेगा, ओवल्टी कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीका होता है इंटरव्यू क्रैक करने का कि आप हम लोग कैसे इंटरव्यू क्रैक करें। तो आप बेशक उस कंपनी के बारे में जाने जहां पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, क्या प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है ना, उसके बारे में आप एक रात पहले पढ़ लें तो आपको 80% चांस है कि आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ टॉपिक है बताना चाहूंगा कि इंटरव्यू में जाएंगे सीएनसी प्रोग्रामर के लिए तो आपसे क्या क्या पूछ सकता है। आप लड़के शुरू शुरू में क्या होता है कि प्रोग्रामिंग सीख जाते हैं, जी कोड जान जाते हैं, एम कोड जान जाते हैं, प्रोग्राम लिख भी लेते हैं, उनको लगता है कि चलो मेरा सब हो गया है, अब मैं कोई भी जाऊंगा वहां पे एकदम फाड़ के रख दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप कितना भी बढ़िया प्रोग्राम लिखते हो आपसे जी कोड पूछेगा ही नहीं, एम कोड पूछेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि आप इंटरव्यू देने आए हैं प्रोग्रामर के लिए तो आपको जी कोड याद होगा, एम कोड याद होगा। अगर नहीं भी याद होगा तो आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके जी कोड निकाल सकते हैं। तो आपसे जी कोड एन कोड नहीं पूछने वाला है, वो आपसे पूछेगा कि सेटअप कैसे करेंगे, इसको बनाएंगे कैसे, इसके क्वालिटी को मेंटेन कैसे करेंगे, अगर आरए वैल्यू दिया हुआ है तो आरए वैल्यू कैसे मेंटेन करेंगे, फ्लैटनेस मेंटेन कैसे करेंगे, परपेंडिकुलरिटी कैसे मेंटेन करेंगे, ओएलटी कैसे मेंटेन करेंगे, रनआउट कैसे मेंटेन करेंगे, थ्रेड अगर बनाना है तो थ्रेड कैसे कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ हूँ कि अगर कहीं किसी कंपनी में साफ बन रहा है तो इस साफ पे बहुत सारा सिंबल है और बहुत सारा सिंबल हो सकता है, मैं नहीं बनाया हूँ, मैं कुछ कॉमन टाइप का सिंबल बना दिया हूँ कि आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले आप अगर इंटरव्यू में सीएनसी प्रोग्रामर के इंटरव्यू पे जाएंगे तो सबसे पहले आपसे हायर करेगा, पिछले कंपनी के बारे में कुछ पूछेगा अगर आपका एक्सपीरियंस है तो, ठीक है, और उसके बाद आपको एक ड्रॉइंग दे देगा, उस कंपनी में जो भी बन रहा होगा रनिंग में होगा उसका एक ड्रॉइंग आपको देगा और उससे कुछ सिंबल पूछेगा। जैसे यहाँ पे आरए वैल्यू है, इसका मतलब क्या होता है, कितना आरए वैल्यू है, इसको कैसे मेंटेन करेंगे, ये 8 TPI क्या है, ये M30x2.0 क्या है, ठीक है ना, ये फ्लैटनेस, ये परपेंडिकुलरिटी क्या है, ये इस सिंबल का मतलब क्या होता है, ए और बी का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में आपसे पूछेगा। ठीक है, शुरू शुरू में आपसे सिंबल्स के बारे में पूछ लिया, जब आप उसको बता दिए तो उसको लग गया कि हाँ आपको सिंपल समझ में आ रहा है, तब आपसे पूछेगा ये कि इसको बनाएंगे कैसे। ठीक है, आपसे एम कोड नहीं पूछा, जी कोड नहीं पूछा अभी तक, ये सबसे पहले पूछेगा आप बनाएंगे कैसे, तो आप बोलेंगे मैं सर 2 सेटअप में इसको बनाऊंगा, वो बोलेगा बिल्कुल गुड, तो बोलेगा पहला सेटअप किधर से लेंगे, तो आप बोलिएगा सर मैं इधर से पहला सेटअप लूंगा, इधर से फर्स्ट सेटअप, ठीक है ना, तो बोलेगा इधर से क्यों, इधर से क्यों नहीं फर्स्ट सेटअप,
तो आप ठीक से अगर ड्रॉइंग देखे रहेंगे तो ये सिमेट्री है, अगर बीच से मैं दे दूं एक एक्सिस बना दूं तो ये आधा इधर आधा सेम है, ठीक है ना। तो आपको बोलना पड़ेगा सर मैं कहीं से भी आप बना सकते हैं फर्स्ट सेटअप, अगर वो पूछता है कि फर्स्ट सेटअप किधर है तो आप बोल दीजिए कहीं से भी ले लीजिए क्योंकि ये बराबर है, ठीक है ना, एक्सिस के दोनों तरफ बराबर का काम है, लेंथ भी बराबर है, सब चीज बराबर है। तो आप बोल सकते हैं कि सर फर्स्ट सेटअप है, किधर से भी ले लीजिए, इधर से ले लीजिए, इधर से ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो बोलेगा ओके, फिर बोलेगा सेकंड सेटअप इधर हो गया फर्स्ट सेटअप, तो बोलेगा कि फर्स्ट सेटअप अगर आप मान लीजिए इधर से ले लिए, ठीक है, तो कहां तक टर्निंग करेंगे, बात है ना। जैसे आप जॉज में लगा दिए, अगर होप्स अगर जॉज में ये लगता है तो अगर जॉज में लगा दिए तो कहां तक टर्निंग करेंगे, यहां तक तो टर्निंग नहीं कर देंगे तो कहां तक करेंगे, तो आपको बताना पड़ेगा यहां तक या यहां तक, ठीक है। तो वो बोलेगा ठीक है, उसके बाद दूसरा सेटअप ठीक है लगा दिया। लेकिन अब इस ये ड्रॉइंग आप देखिए, यहां पे भी थ्रेड है, यहां पे भी थ्रेड है और यहां पे भी थ्रेड है, ठीक है, उधर सेम डिजाइन में इधर भी थ्रेड है और इधर भी थ्रेड है, तो जॉज आप कहां लगाएंगे, आप तो फट से बोल देंगे फर्स्ट सेटअप इधर, सेकंड सेटअप इधर, जॉज लगाएंगे किधर, आप इधर जॉज लगाएंगे जब इधर थ्रेड काट देंगे और जब इधर से सेकंड सेटअप प्लग के लाएंगे तो यहां पर थ्रेड बन चुका है, अब इस पे तो जॉज लगाएंगे नहीं और आपको लगेगा यहां लगाने, यहां पे भी थ्रेड है तो जॉज कहां लगाएंगे फिर, और इतना आप बोलेंगे इस पे लगा देंगे तो इतना अंदर पीस कहां से जाएगा, जॉज में तो ज्यादा ज्यादा जॉज इतना मोटा होता है, इसको अंदर कैसे रखेंगे। तो आपको देखना पड़ेगा कि ये क्या जॉज में लगा करके बनेगा या सेंटर टू सेंटर बनेगा, सेंटर टू सेंटर क्या होता है, अब ये आपको देखना पड़ता है, ठीक है ना। टेलीस्टॉकिंग रिमोविंग सेंटर क्या है, डेड एंड क्या होता है, डेड एंड सेंटर क्या होता है, ये सब आपको समझना पड़ेगा। ये शॉट जो है ये कभी भी आपको जॉज में नहीं आएगा, ये सेंटर टू सेंटर बनाना होगा। वो बोलेगा सेंटर टू सेंटर बनाना जानते हो शॉट को, तो आप कंफ्यूज रहेंगे सेंटर टू सेंटर क्या है, तो आपको सेंटर टू सेंटर समझना पड़ेगा, ठीक है ना। इधर से भी टेल स्टॉक लगेगा और इधर से क्या है, ये तो जॉज पे आएगा नहीं, तो इधर से हम लोग एक गुल्ली बनाएंगे ऐसे डिजाइन का, ठीक है, ऐसे डिजाइन का गुल्ली बनाएंगे और इसमें जॉज फंसेगा, ठीक है ना, इसमें जॉज फंसेगा और ये पीस जो है इस सेंटर पे आ जाएगा और इधर से भी टेलीस्टॉक, तो ये इसी को सेंटर टू सेंटर बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोलेगा कि ये M30 इंटू 2 क्या है भाई, ये बताओ। तो आप बोलेंगे M मतलब मैट्रिक, 30 मतलब यहाँ के 30 का डाया है और 2 mm का पिच है, तो बोलेगा वेरी गुड। फिर आपसे बोलेगा ये 8 TPI क्या है, तो TPI का मतलब समझना पड़ेगा, TPI मतलब थ्रेड पर इंच, ठीक है। तो आप समझे, आप बोलेंगे यार ये काम तो हम एमएम में कर रहे हैं, अब इंच कहां से घुस गया, तो एक इंच में कितना एमएम होता है उसके हिसाब से आप यहां पे हम लोग मैनुअली पिच निकालेंगे। अब ये पिच नहीं दिया यहां पे, तो पिच दे दिया यहां पे, पिच नहीं दिया बस 8 TPI दे दिया। आप समझिए कि एक इंच में कितना एमएम होता है, ठीक है। तो ये सब सवाल बनता है, ठीक है ना। अब आपसे रनआउट के बारे में पूछ सकता है, मैं भी अगर रनआउट दे दे तो रनआउट कैसे मेंटेन करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये आपसे दे दिया ये आर ए वैल्यू, ये आर ए वैल्यू कैसे मेंटेन करेंगे, अभी कितना वैल्यू है, 3 ट्रायंगल का मतलब कितना होता है, ठीक है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। N1 से लेकर के N12 तक का आर ए वैल्यू होता है, तो ये कौन सा वैल्यू, मान लीजिए यहीं पे दे दे, अगर कि ये 3 ट्रायंगल ना दे करके यहाँ पे दे देगी N9, इसका मतलब क्या होता है, ये कैसे मेंटेन करेंगे, क्या ये CNC से आर ए वैल्यू मेंटेन हो जाएगा या आपको ग्राइंडर से जाएगा या फिर आपको लैपिंग होनिंग पे जाएगा, ये आपको समझना पड़ेगा, ये और आपको बताना पड़ेगा सर ये CNC से, मान लीजिए अगर CNC से मेंटेन ना हो, अगर ये 4 ट्रायंगल दे दे तो CNC से मेंटेन ना हो तो क्या होगा, तो आपको बताना पड़ेगा ये लैपिंग होनिंग पे जाएगा या इसको ये ग्राइंडर से मेंटेन होगा या फिर CNC से ही हम लोग काट सकते हैं, ये सब बताना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे दे दिया, अब क्या दे दिया, अब ये पूछेगा कि इसमें रनआउट अगर 10 माइक्रोन का दिया हुआ 20 माइक्रोन दे, रनआउट ज्यादा नहीं आता है, रनआउट ज्यादा 10 माइक्रोन 20 माइक्रोन 30 माइक्रोन इससे ज्यादा नहीं आता है, तो वो आपको लिमिट दे देता है भाई इसी में रनआउट आपको चेक करना है। तो वो पूछेगा रनआउट कैसे मेंटेन करोगे, रनआउट कहाँ आता है, ये भी पूछ सकता है आपसे कि रनआउट कहाँ कैसे कैसे आएगा और कहाँ कहाँ आएगा। तो देखो, लेंथ में ही रनआउट आता है, तो अगर छोटा पीस है, जैसे मान लो जी कि ये छोटा सा पीस है और इसका लेंथ हो गया है 15 mm या 20 mm, इस पे ज्यादा रनआउट नहीं आएगा। जब आप लंबा शाफ्ट बनाते हैं 100 mm का, 80 mm का, 90 mm का, उस पर आपको रनआउट आएगा, ठीक है ना। जब आपका टर्रेट लंबा दूरी तक चलता है उसमें रनआउट आता है, क्योंकि कुछ बैकलेस रहता है मशीन पे, उस बैकलेस के कारण आता है, कुछ वाइब्रेशन हो जाता है उसके कारण आता है, कुछ टर्रेट में रनआउट होता है, कुछ आपका स्पिंडल में रनआउट होता है, तो उस सबसे आपको रनआउट आता है। तो वो कंट्रोल कैसे करेंगे,
ये आपसे पूछेगा प्रोग्राम से, अब वो आपसे प्रोग्राम से रनर कंट्रोल होता है कि सेटिंग से कंट्रोल होता है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लीजिए किसी कंपनी में गया, यहाँ पर एक रिंग बन रहा है, 100 डाया की रिंग है, उसका थिकनेस 10 mm है और चौड़ाई इसका 20 mm है। तो अब इसमें क्या पूछेगा क्वेश्चन, ओवेलिटी सबसे ज्यादा आता है। अब ऐसा कंपनी में जा रहे हैं जहां पर रिंग बन रहा है, आपने रात में देख लिया कि यहाँ पे रिंग बन रहा है, तो आप बेशक समझिए कि रिंग जहां पर बनेगा थिकनेस जब कम होता है तो ओवेलिटी आने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो आपसे एकदम 100% आप श्योर रहिए कि ओवेलिटी के बारे में आपसे पूछेगा, डेफिनेटली पूछेगा कि ओवेलिटी कैसे कंट्रोल करेंगे, वो तरीका पूछ देगा क्या क्या प्रोसेस है ओवेलिटी कंट्रोल करने का। तो आपको बताना पड़ेगा कि मैं जो का सेटअप देखूंगा, सबसे पहले बैकलेस देखूंगा कितना है, टरेट में है कि नहीं है कुछ रन आउट, या उसके बाद ओवेलिटी तो टरेट से मतलब नहीं है ज्यादा, यहाँ जॉज का प्रेशर से मेंटेन होता है। जैसे आप यहाँ पे थिकनेस बहुत कम है और आप जॉज लगा दिए, प्रेशर ज्यादा दे दिए, नॉर्मल प्रेशर तो आप देते होंगे 25-30, ठीक है, तो उस पे दे दीजिएगा तो पूरा ऐसे दब जाएगा, ठीक है। तो आपको कितना प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा वो आपसे पूछ सकता है कि जॉर्ज का कितना प्रेशर रखे हम कि ओवेलिटी ना है, ठीक है। अब जॉर्ज नॉर्मल आप देखते होंगे ऐसे नॉर्मल सा जॉर्ज ऐसे रहता है, ऐसे नॉर्मल जॉर्ज, तो क्या ये जॉर्ज से हमारा काम चलेगा? रिंग अगर बनता है तो एक 5 जॉर्ज होता है, 5 जॉर्ज कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है ना, ऐसे होता है, ठीक है, और ये ऐसे निकला रहेगा इसका। 5 जॉर्ज क्या होता है कि इसका जो रेडियस है ना ये ज्यादा होता है। अब जैसे थोड़ा दूर यहीं पे थोड़ा में प्रेशर डालिएगा तो आपका प्रेशर ज्यादा होता है, तो क्या किया जाता है कि एक आईडी में लेकर एक 5 जॉर्ज जाता है, ये क्या करेगा यहां से यहां तक जॉर्ज जाएगा, तो इसका जो प्रेशर है यहां फैल गया, फिर उसी तरह एक यहां पे रहेगा ऐसे, इसका प्रेशर फैल गया और एक यहां पे ऐसे रहेगा। तो प्रेशर क्या होता है कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जॉर्ज का प्रेशर, तो उस रिंग बनाने के लिए 5 जॉर्ज का इस्तेमाल होता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि सर मैं ओवेलिटी मेंटेन करके 5 जॉर्ज का इस्तेमाल करूंगा, प्रेशर ज्यादा ज्यादा 5 से 10 mm के बार के बीच में रखूंगा, तो ये सब आपको बताना पड़ेगा। फिर जॉर्ज का सेटिंग से आपसे पूछ सकता है कि कैसे जॉर्ज सेट करेंगे। अब कहने का मतलब है कि 100 mm का वर्क पीस है, ठीक है, तो बहुत कोचिंग में या लोग बताते हैं कि वर्क पीस को उठाओ और जॉर्ज बांधो, उसके बाद थोड़ा बहुत कम कम करके धीरे 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 करके आप बनाओ। तो अब कहने का मतलब है कि जो वर्क पीस हो गया 100 kg का, तो आप हनुमान जी हैं कि उठा लेंगे हाथ से, उस कंडीशन में कैसे आप जॉर्ज को सेट करेंगे? छोटा पीस रहता तो आप तो बहुत लोग बताते हैं ऐसे पीस लगा, और बहुत लोग बताते क्या करते भी हैं, छोटा पीस ऐसे रखते हैं जॉर्ज उसके हिसाब से बांध देते हैं, फिर धीरे 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 उसका चेक करते हैं और सेट करते हैं, तो उसमें तो घंटों लग जाता है। लेकिन अगर पीस हो गया 100 kg का, 200 kg का, तो आप कैसे उठाएंगे उस पीस को? जब पीस उठेगा नहीं तो आप जॉर्ज को कैसे सेट करेंगे, तो वो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। मान लिया कंपनी का ऑनर बोलते हैं हाँ भाई जॉर्ज वर्क पीस आ रहा है, 2 घंटे में आएगा, तब तक तुम सेटअप करके रेडी करो, तो फिर पीस तो है ही नहीं, तो जॉर्ज को कैसे सेट करेंगे? तो ये सब आपको सीखना पड़ेगा। मैं अलग अलग छोटा छोटा वीडियो बनाते रहूंगा हर टॉपिक पे कि आप उसको समझे। एक टॉपिक में मैं ओवेलिटी और रनआउट मेंटेन कैसे कंट्रोल करेंगे उस पर मैं टॉपिक बनाऊंगा। मैं आज केवल सिर्फ सवाल बताऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। आपसे देखिए अभी तक मैं इतना देर आपको बताया, अभी तक आपसे मैंने जीकोड के बारे में नहीं पूछा, पूछा नहीं पूछा, क्योंकि मुझे पता, आप मान लीजिए मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ आप बैठे हैं, तो मुझे पता है कि आप प्रोग्रामर का इंटरव्यू देने आए, आप जीकोड और एमकोड रख के आए हैं, मैं जान रहा हूँ, क्योंकि मैं तो 20 साल से यही देख रहा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस, अगर मैं मैनेजर बना हूँ या कोई प्लांट हेड कोई बना है और इंटरव्यू ले रहा है, तो उसके पास 20-25-30 साल का एक्सपीरियंस है। आज जो आप कर रहे हैं वो ऑलरेडी 30 साल पहले करके बैठ गए, उसको पता है कि आप क्या करके आए हैं, उसको पता है कि आप जीकोड एमकोड रख के आए हैं, तो आपसे पूछेगा नहीं, आपका जहाँ वीक पॉइंट है वहां से आपको पूछेगा, वहां दबाएगा। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है? रन आउट, ठीक है, रन आउट, हाउ टू कंट्रोल रन आउट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा हाउ टू कंट्रोल ओवेलिटी, अगर कहीं ओवेलिटी का काम हो रहा है, रिंग बन रहा होगा, तो पक्का डेफिनेटली आपसे ओवेलिटी के बारे में पूछेगा, और कैसे ओवेलिटी को कंट्रोल करेंगे ये आपसे पूछेगा। तो रन आउट आप बोल सकते हैं सर मैं प्रोग्राम से, मैं एक वीडियो बनाऊंगा प्रोग्राम से कैसे रन आउट को कंट्रोल करते हैं, तो आप बोल सकते हैं सर मैं प्रोग्राम में जाकर के एक 2 लाइन लिख करके मैं रन आउट कंट्रोल कर लूंगा, तो ठीक है। लेकिन ओवेलिटी प्रोग्राम से कंट्रोल नहीं होता है, ओवेलिटी टोटल कंट्रोल सेटअप से होता है, जॉर्ज का सेटअप, जॉर्ज का प्रेशर, जॉर्ज कैसा लिए हैं, वो सबसे आप ओवेल्टी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवेल्टी के बारे में पूछ दिया, तीसरा पूछ दिया सेटअप के बारे में, सेटअप
कितना सेटअप में आप, हाउ मेनी सेटअप, हाउ मेनी सेटअप, कितना सेटअप में आप बनाएंगे इसे, और फर्स्ट सेटअप कौन सा होगा, सेकंड सेटअप कौन सा होगा, फर्स्ट सेटअप कौन सा है, सेकंड सेटअप कौन सा है, ठीक है, ये सब आपसे सवाल करेगा। आप तो रख क्या है आज एकदम फाड़ देंगे पूरा जी को, आपसे जी को पूछेंगे, आपका जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वही पांच मिनट में खत्म हो गया, तो ये पूछ दिया, फिर क्या पूछेगा आपसे कि मे बी सेंटर टू सेंटर शाफ्ट, शाफ्ट कभी आप बनाए हैं, ये आपसे पूछ सकता है, तो आप बोलेंगे हाँ भाई बनाए हैं। थ्रेड के बारे में, एक थ्रेड डिपार्टमेंट ऐसा है कि थ्रेड के बारे में आपसे अगर कहीं नहीं भी बनता होगा तो थ्रेड के बारे में आपसे पूछ सकता है, क्या मैट्रिक थ्रेड आपसे सबसे पहले पूछेगा ना, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा मैट्रिक थ्रेड का है, आपसे पूछेगा कि मैट्रिक थ्रेड कभी बनाए हैं, या इंची थ्रेड है, इंची थ्रेड, ठीक है, आप इंची थ्रेड बनाए हैं, एक में थ्रेड बनाए हैं क्या, एक में थ्रेड, या टीपीआई क्या है, टीपीआई थ्रेड क्या है, इसमें क्या होता है, तो ये सब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। थ्रेड के बारे में ये तीन चार क्वेश्चन कॉमन है, ये आपसे पूछेगा, और ये पूछेगा नहीं कि आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, आप भाई प्रोग्रामर हैं आपको तो जानना पड़ेगा ना, ये पूछेगा कि क्या आपने ये सब थ्रेड बनाया है, ठीक है, तो ये आपसे ये सवाल कर सकता है, ठीक है, तो आप अगर बनाए हैं तो ठीक है, और अगर बनाना जानते हैं तो भी ये बोल दीजिए। तो आप देख रहे हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, अभी तक आपसे जी कोड नहीं पूछा, आधे घंटे का मैं वीडियो बना दिया हूं और बता दिया, अभी तक मैंने आपसे जी कोड के बारे में नहीं पूछा, क्यों, जी कोड क्या जरूरत है, पूरा सीएनसी लाइन में G01 G02 G03 ये तो दोनों एक ही है, और G32 यही तो तीन कोड है, इसी तीन कोड से तो आप सारा प्रोग्राम बना लेंगे, चौथे कोड का तो मुझे जरूरत ही ना है, 71, 72, 75, 76 उसे हमको क्या मतलब है, है ना, ठीक है। तो आप देख रहे हैं क्या क्या क्वेश्चन है, और सारा भी क्वेश्चन छोटा छोटा एराइज होता है, तो मैं हर वीडियो में छोटा छोटा क्वेश्चन आपको बताते रहता हूं, कि ये बताते रहूंगा कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये लेकिन ये प्रोग्रामर के लिए बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ टू कंट्रोल रन आउट, हाउ टू कंट्रोल ओवल्टी, व्हाट इज ओवल्टी, व्हाट इज रन आउट, ठीक है, हाउ टू कितने सेटअप में आप बनाएंगे इसको, क्या ये दो सेटअप में बनेगा, किस तरफ जॉ लगेगा, या जॉज के बिना ही काम करना पड़ेगा, तो वो सब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, थ्रेड्स के बारे में आपसे पूछ सकता है कि थ्रेड कितने टाइप का होता है, या फिर ये थ्रेड पे आपने काम किया है नहीं किया है, ठीक है ना, और राइट हैंड थ्रेड क्या है, लेफ्ट हैंड थ्रेड क्या है, अगर राइट हैंड थ्रेड बनाना है और मुझे पास राइट हैंड थ्रेड का होल्डर नहीं है तो मैं कैसे उसको लेफ्ट हैंड थ्रेड से बनाऊंगा, समझ रहे हैं बात को। इंसर्ट के बारे में आपसे पूछ सकता है, इंसर्ट का नॉमेनक्लेचर तो नहीं पूछेगा आपसे, कुछ कुछ इंसर्ट के बारे में कुछ स्पेशल टॉपिक निकाल के पूछेगा, अब नॉमेनक्लेचर उसको मालूम है आप याद करके आए हैं, वो नॉमेनक्लेचर नहीं पूछेगा, उससे उसको मतलब नहीं, कंपनी में भरमार पड़ा रहता है तो आप कुछ भी इंसर्ट उठा लेंगे। थ्रेड का इंसर्ट से पूछेगा कि आपका फुल प्रोफाइल इंसर्ट कैसा होता है, हाफ प्रोफाइल इंसर्ट कैसा होता है, तो ये सब आपको थ्रेड का इंसर्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। और सारा भी दो चार क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन होता है, लेकिन ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछेगा, आपसे जरूर पूछेगा, ठीक है ना। और उसके बाद कुछ यहाँ पे सिंबल कुछ पूछेगा ये, ठीक है ना, ये डेटम क्या है, ये डेटम क्या है, अब ये परपेंडिकुलरिटी कैसे मेंटेन करेंगे, इस ये आपका जो फीचर फ्रेम कंट्रोल है इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसमें इस ये सब जो सिंबल दिया हुआ है इसका मतलब क्या होता है, ये ए मतलब क्या हो गया, बी मतलब क्या हो गया, यहाँ पे बी रख देंगे तो क्या होगा, ए रख दिए तो क्या है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन है, तो आप होप्स हो कि मैं इस छोटा सा वीडियो में बहुत सारा टॉपिक मेंटेन किया हूँ, राइज किया हूँ, तो ये क्वेश्चन आप तैयार कीजिए, और मैं हर टॉपिक पे हर क्वेश्चन पे मैं एक एक वीडियो बनाता रहूंगा छोटा छोटा, आप उससे आप वीडियो देखिए और नॉलेज लीजिए, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, आपसे एक मेरा यही गुजारिश है, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि जो वीडियो बना रहे हैं उसको मोटिवेशन मिलता है, उसको अच्छा लगता है कि मेरा वीडियो बनाया हुआ लड़कों को पसंद आ रहा है, लोग पसंद करें, उससे उनका लाइफ ठीक हो रहा है, किसी को जॉब लग रहा है, तो कर भला तो हो भला, वही बात है। तो मैं आपसे तो कोई फी नहीं मांग रहा हूँ, ये बस टच कर देना है सब्सक्रिप्शन पे और लाइक कर देना है, शेयर कर सकते हैं किसी फ्रेंड को तो कर दिए, उस फ्रेंड का भी कुछ भला हो जाएगा, तो आप ही का नाम होगा, मेरा दोस्त मेरा लाइफ बनाया, जॉब लगवाया, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो आप बेशक कमेंट कर लीजिए कि मुझे ये टॉपिक पे समझ में नहीं आता, वीडियो बनाइए,
और उसके बाद आप कॉल करके अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप यहाँ पे बेशक आकर के एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे फुल वर्जन में क्लास होगा, ठीक है ना। अभी तो मैं वीडियो में कितना समझाऊंगा आपको, लंबा वीडियो हो जाएगा, आप खुद ही सो जाएंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, आज के लिए काफी है। ओके, थैंक यू।